गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? तो देखिए, सुबह सुबह मैं छत में जाके ये जो जुई फूल और कागज फूल लेके आई थी, कितना अच्छा लग रहा है ना। इसके लिए एक कमेंट करना हाँ। और वेदर बहुत ही खराब है, सुबह से थोड़ा बारिश हो रहा था और देखिए क्लाउडी भी है, बादल छाए हुए हैं। तो चलिए अभी देखिए ये वाला पेड़, वो देखिए सुबह देखिए कितना सारा फूल हुआ है। ये वाला पेड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो कल दो पेड़ लेके आई थी जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, दो तीन पेड़ लेके आई थी मैं, लेकिन इसका हालात थोड़ा खराब हो चुका है। तो चलिए इसको अभी लगाना है, और ज़्यादा फूल नहीं है हमारे बगीचे में, सिर्फ पत्ते का ही पेड़ है। तो चलिए देखती हूँ क्या किया जा सकता है सुबह सुबह। और सुबह चादर उठा लिया है, सूख गए हैं। और ये जो गमला है इसमें तुलसी पौधा देना है, और कल मैं लेके आई थी पेड़ों के लिए खाना, उसको मिट्टी से मिलाना है, वही काम करूँगी आज सुबह से। तो चलिए थोड़ा नीचे जाती हूँ और सुबह सुबह उठ के अच्छा लग रहा है वेदर, गर्मी के मौसम में ऐसा वेदर पाना भाग्य की बात होती है। तो चलिए फूल दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओ माय गॉड, देखिए कितना हवा दे रही है, कितना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को क्या बताऊँ। और देखिए कितना सारा फूल, कितना सुंदर सुगंध आ रहा है। तो चलिए अभी इन दोनों को बाहर लेके आई, अच्छा ही है। सुबह बर्तन धोया और थोड़ा सा बर्तन है, अभी घर को झाड़ू देना है। बेटा उठो, 10 बज गए। चलिए नीचे जाके पेड़ों का खाना बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर देती हूँ। तो चलिए बर्तन है थोड़ा सा, ये जो सब्जी का खोसा है और ये भी तो पेड़ों में देना है। और अभी थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। किचन को पोछा लगाना है, बस थोड़ा सा ही काम है, फिर इनको थोड़ा पोछना है। घर में झाड़ू देना है और पेपर वाला नहीं आ रहा है, पेपर वाला आता तो अच्छा होता, पेपर वाला आता इसको बेचता, थोड़ा पैसा मिलता मुझे। चलिए बाहर जाती हूँ। एक जवाकली खिला है,
और ये देखिए बेल फूल। लेकिन कीटाणु देखिए कितना, ओके इसको तोड़ दूंगी, रुक जाइए। तो दोस्तों जो व्हाइट वाला दही पोका बोलते हैं तो वो बहुत सारा हो गया था, तो चलिए देख खाती हूँ आप लोगों को। ये जो जवा का दाल है इसके अंदर बहुत सारा दही पोका हो चुका है, इसको काट दिया है और मुझे मिल गया है कद्दू साग, लाउ साग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए आज इसको पकाना है। और ऊपर जो मेरा लाउ साग का पेड़ जा रहा था वो छेड़छाड़ के निकल गया ऊपर से। चलिए वो देखिए, वो पेड़ पकड़ के उठा था और उसको लेके ही गिर गया। कद्दू आ रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, तो उससे दिमाग खटाना बंद कर देती हूँ, सिर्फ साग ही खाती हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा सब सफाई है, चलिए करके आती हूँ। तो सारा काम कर लिया है। अभी ये जो तुलसी पत्ता है इसको देना पूजा में। और चलिए अभी ले लिया है लाउ साग जिसको बनाना है, तो सारा आंगन धो दिया है। आदित्य ने चाय बना दिया है, तो चलिए चाय पी लेती हूँ। फिर कोई मेरा चाका है, ये मेरा है, तुम्हारा कब, तुमने बोला कि लानी लाऊं, नहीं ठीक है रुक रुक दया कम से। मुरकुलो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मालूम नहीं क्यों। अच्छा वाला चाय बनाया है बेटा ने, ज़्यादा मीठा नहीं, अच्छा लग रहा है। आज तो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। आज तो का बहुत ही गर्मी लगता है। दोस्तों कल रात को मैं दाल पकाया था, वो तो है, और उसका उन लोगों का चिकन भी है, तो अब आलू भात होगा, सिर्फ आलू भात, वो भी मेरा बेटा पकाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर बाद आती हूँ। तो दोस्तों मैं बाज़ार गई थी सब्जी खरीद के लेके आई हूँ, और थोड़ा पेड़ों के लिए गमला भी लेके आई हूँ। फिर मैं घर आके किचन में चली गई, किचन में जाके बहुत ही कचरा हवा दे रहे हैं ना, तो धूल आ रहा था, तो
किचन में, फिर किचन में जाके खाना पकाया, कद्दू साग और कचू लत्ती और भिंडी भाजी, तो इसे खाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं अभी तक नहाया नहीं, अभी नहाऊंगी, लेकिन उससे पहले घर को झाड़ू देंगी, क्योंकि उधर से बहुत सारा कचरा आया, खिड़की खुला था और बहुत हवा दे रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर है मेरा दोपहर का खाना, दाल चावल, और इधर है कद्दू साग सब्जी से और लत्ती और चटनी और भिंडी भाजा, और इधर है दही चावल। तो यही खाऊंगी आज दोपहर में। ये घर को झाड़ू दे देती हूँ। ये वाला जो पेड़ है, मैं इसको ये सब खरीद के लेके आई हूँ। तो अभी कपड़ा भी धुल के इधर दे दिया है। पंछी का खाना अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि इधर झाड़ू देना है पहले, फिर पंछी का खाना देना है। तो चलिए, ओह और ये देखिए गमले के नीचे के लिए ये वाला पेलेट लेके आई हूँ। पेलेट देने से ना गमले से पानी नहीं निकलता है बाहर, ठीक है ना। तो और एक ये वाला पेड़ मुझे गिफ्ट में दिया है, एक पेड़ से तोड़ के, तो चलिए इसको लगा लेंगी। और अभी थोड़ा सा बिस्तर को ठीक ठाक करके झाड़ू देके आती हूँ। चलिए नहा धो के फ्रेश हो के फिर आप लोगों से आके बात करती हूँ और खाना भी खाती हूँ। तो दोस्तों ऊपर आ गए हो, कितना सुंदर मौसम है आप लोगों को क्या बताऊँ। देखिए आकाश पूरा काला पड़ चुका है, हैं मालूम नहीं, पंछी तो दौड़ रहा है, क्या होने वाला है मालूम नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। बारिश होगा शायद लगता है कि सूरज, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए बेल देखिए, बेल कितना सारा बेल है। जब पत्ते रहता है तब दिखाई नहीं पड़ता, पत्ते गिर जाने से बहुत सारा बेल दिखाई पड़ता है। और उस पेड़ में आम देखिए, कितना सारा आम है, वो बहुत हाँ। पंछी उधर जूम करके दिखाती हूँ, क्या मालूम पड़ रहा है कि नहीं, इधर बहुत सारा पंछी इधर। और यहाँ से हमारा आंगन ऐसा लगता है, चलिए। और एक कली खिला है, ये वाला जो गुलाब का पेड़ है ना, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको किस, इसको कोई क्या बोलते हैं, कीटाणु खा रहा है, कोई कुछ तो है जो रात को उठकर इसका पत्ता खा रहा है। देखिए इतना काटा है फिर भी इसका पत्ते खाते जा रहा है, सोचिए। चलिए अभी पेड़ों में पानी देना है, मिट्टी को बनाना है, बहुत सारा काम है, कर लेती हूँ। पेट में दर्द भी हो रहा है क्यों मालूम नहीं, और ये वाला जो डाल है ना इसमें होता नहीं है, इसको काट देना है। और मालबेरी जो है ना, आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए मालबेरी ऐसा ही होता है, हाँ देखिए कहाँ गए तुम, ये देखिए ऐसा ही होता है, इसका कोई फूल नहीं होता है, सिर्फ ऐसा ही निकल के फल निकल जाता है, फूल तो मैंने नहीं देखा है। इस गुलाब के पेड़ में भी फूल खिल रहा है। पानी जरूर रोज देना चाहिए लगता है,
चलिए अभी काम कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना कितना सुंदर कलर है ना, उनको हवा से इधर इधर जा रहा है। प्लीज़ फूलों के लिए कमेंट करना कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर है ना। और देखिए वाइट और ये वाला, ये वाला वाइट है, बहुत सारा वाइट हुआ है। सुबह थोड़ा उठा के लेके गई थी क्योंकि नीचे ना हवा में नीचे गिर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा गमले में रख दूँ, तो इसलिए लेके गई थी। बहुत अच्छा लगा, देखिए पक रहा तो गिर गया है हाथों में, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये योलो वाला पौधा है, तो पेड़ तो हो रहा है, फूल तो नहीं दिख रहा है मुझे, होने देती हूँ। चलिए मिट्टी के साथ खाना मिला के फिर इसको ठीक ठाक कर लेती हूँ। दोस्तों देखिए ये वाला जो बेलफूल है, इसको ये मिट्टी के गमले में दे दिया, और वो जो पत्ताबहार एक ठो में तीन ठो लगा दिया। देखते हैं अच्छा होगा तो फिर चेंज करूँगी। और अभी ये जो तुलसी का पेड़ है इसको लेके जाना है, और चलिए थोड़ा पानी दे देती हूँ फिर नीचे मिलती हूँ आप लोगों के साथ। अभी तक ये काम किया है और कुछ नहीं, और पेड़ों को कटिंग किया है बस। चलिए पानी दे के आती हूँ।